तो है अब पिछला जो हमने आपका वीडियो जो बनाया था उसमें हम आपको बताए थे कि त्रिभाषा सूत्र का विश्लेषण क्या था। यहां पर अब हम आपकी बात करें तो अंतिम जो आपका पॉइंट बचा है वह है आपका हम आपके बात रहेंगे कि ये जो कुछ भी हमने पूरे पाठ में जो देखा त्रिभाषा का प्राथमिक स्तर माध्यमिक स्तर और बाद की जो भी हमने आपसे पॉइंट्स पे बात की है ना, तो संपूर्ण पाठ का वह क्या था, क्या बात थी, क्या सार था जो मैं आपको कहना चाहता है। तो प्रस्तुत विवरण से यह हमको मालूम पड़ता है कि त्रिभाषा सूत्र जो है वह दोषपूर्ण है। वह क्या है, त्रिभाषा सूत्र आपका कैसा है, दोषपूर्ण। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अच्छा, और यह जो पॉइंट है आपका कि यह दोषपूर्ण है और इसके अगर हम बेस में जाएं, इसके अगर हम भीतर तक जाएं तो हमको यह मालूम पड़ेगा कि यह संपूर्ण कहानी जो है वह अंग्रेजी भाषा के मोह माया जाल में हमको फंसी हुई दिखाई देती है। तो डॉक्टर कोठारी साहब की दशका में 1964 में आपके मुठारी साहब ने एक प्रतिवेदन दिया, वह दिया था आपके जून 1960, तो इसके दो साल बाद 1966 में एक अपना एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जो कि ने याद सबको यूकेशन आयोग के सामने इस प्रकार से प्रस्तुत किया कि पॉइंट नंबर 1 उन्होंने कहा कि मातृभाषा या फिर आपकी वहीं की प्रादेशिक भाषा, फर्स्ट पॉइंट दिया। सेकंड पॉइंट दिया कि प्रादेश की दूसरी आपकी राजभाषा या फिर शहर राजभाषा, और तीसरा पॉइंट दिया कि एक आधुनिक भारतीय भाषा जिसे नंबर 1 या नंबर 2 में ना लिखा गया हो, जो देश में एजुकेशन के माध्यम से भेज। तो यहाँ पर क्या है कि यह भाई आपका आयोग कहता है कि कक्षा 8, 9, 10 में से 3 भाषाओं के अध्ययन को अनिवार्य करना चाहिए और उपरोक्त भाषा जो आपका सूत्र है वह घूम फिर के अंग्रेजी के ही पास पहुंच जाता। और सन 1953 में कब 1953 में 1953 की 23 और 24 जनवरी को नई दिल्ली के केंद्रीय ने भारतीय विश्वविद्यालयों के अंग्रेजी प्राध्यापकों को जो सम्मेलन में बुलाया, और उस सम्मेलन में क्या हुआ कि वहां पर अंग्रेजी के प्राध्यापकों ने भारतीय केंद्रीय सरकार से अंग्रेजी के फायदे के लिए और अंग्रेजी को भारत में और ज्यादा मान्यता देने के लिए प्रतिवेदन उन्होंने किया और उन्होंने प्रार्थना की कि अंग्रेजी को ही अनिवार्य किया जाए। परंतु हम उस सम्मेलन की भावना से जरा भी आगे नहीं बढ़े हैं और बीच में कई वर्ष
23 और 24 जनवरी को, उससे दो दिन पहले हुआ 20 और 21 जनवरी को हिंदी प्राध्यापकों का, जहां पर मातृभाषा हिंदी की प्रोन्नति और प्रगति के बारे में अपने अपने विचारों को प्रस्तुत दिया गया। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि मातृभाषा आपकी हिंदी हो या वह देववाणी हो, परंतु वह अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए, या फिर भारत में अंग्रेजी का इतना बोलबाला भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर भाषा की जो दिक्कत है, भाषा का जो प्रॉब्लम है, वह सबसे ज्यादा है। क्यों है भाई? क्योंकि भारत में 3 कोस रुपए बदले पानी और 9 कोस रुपए बदले पानी, कुछ ऐसी ही कोई कहावत कही हुई जाती है। मेरे ख्याल से 3 कोस 7 कोस के उसमें मैं नहीं पहुंचता हूं, लेकिन मेरे से कहने हैं कि यहां पर आप अगर देखते हैं तो हर 9-10 किलोमीटर के बाद में भारतीयों के बात करने का जो उच्चारण का जो सेंस है, ये सेंस जो है आपका उस उच्चारण का प्रोनाउंसिएशन का, वह भी बदल जाता है। अगर हम आपकी एडा की बात करें तो हदियें खादियें मादियें, ये वाली हम भाषा का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। हाथरस और बाहर साइड में चले जाए तो हम मार्द मार देंगे, हार देंगे, झार देंगे, कह देंगे का प्रयोग करते हैं। जहां पर हम औरे का प्रयोग करते हैं, औरे तारे जारे का प्रयोग करते हैं। और अगर बाहर साइड की बात करें तो आप चौरे मथुरा में काईकू पाईकू, तो यहां पर क्या कि भारत में हर 20-25 किलोमीटर के बाद भाषा का तो भारत ने त्रिभाषा सूत्र का लाउड स्पीकर से पवित्र उच्चारण करते रहना ही यहां पर अंग्रेजी के महत्व देने का ही साधन नहीं है। यहां पर क्या है कि भारतीय भाषाओं को हमें महत्व देना पड़ेगा और अंग्रेजी को ना ज्यादा हमें महत्व नहीं देना है, और हमें सभी भारतीय भाषाओं को समान उम्र पद देते हुए मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के निवार अध्ययन की उचित व्यवस्था को भी करना होगा। अच्छा, दूसरी बात आपकी क्या कहती है? दूसरी बात आपकी कहती है कि भाषा नीति को माध्यमिक विद्यालयों में लागू करना भारत की भाषा समस्या का उपयुक्त समाधान प्रस्तुत किया जाता है। तो उपयुक्त विवरण से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि त्रिभाषा सूत्र में कई सारे दोष हैं, फिर भी विद्यालयों में त्रिभाषा सूत्र को लागू किया जाए, क्योंकि यह एक अच्छा पॉलिटिकल फैसला है और यह लागू करते समय सावधानी को भी बरतना चाहिए और वहाँ की माध्यमिक भाषा को, प्रादेशिक भाषा को, राष्ट्रभाषा को और वहाँ की लोकल लैंग्वेज को भी हमें महत्ता देनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि यदि आपने रामायण दर्शनम के लिए विख्यात मैसूर विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति महापोइट मुटप्पा साहब ने एक बात कही, ये बाहुबली के बनी है कुटप्पा, ये कुटप्पा है आपके, है ना। तो ये कहते हैं कि मेरा विचार है कि दो और बहुत सी भाषाओं में कोई भी 3 नहीं। महाकवि मतलब ये कहते हैं कि मेरा विचार है दो और बहुत सी भाषाओं में कोई भी 3 नहीं, मतलब कोई भी और बहुत सी भाषाएं हैं लेकिन उनमें कोई सी भी 3 हम नहीं डालें। और महाकवि कुटप्पा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। यह बात पॉइंट 2 भी नोटेड बाय गॉड। वह कहते हैं कि त्रिभाषा सूत्र को वह नहीं मानते और एक दूसरे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त विजेता है आपके शिवराम साहब, वह कारंत साहब, वह भी एक कवि हैं, वह भी कहते हैं कि वह कहते
विशेष आकर्षण नहीं है, सब कुछ पर डिपेंड करता है कि आप को कहां तक प्रभावशाली मानते हैं और कितने बीच में आप उसको वो करते हैं लागू करते हैं, है ना। मतलब कहते हैं कि अगर हम विदेशों की बात करें तो स्विट्जरलैंड के जो बच्चे हैं वह तीन भाषाएं सीखते हैं, कौन कौन सी, इटालियन, फ्रेंच और आपकी जर्मन, है ना। परंतु वे सब कानों से सीखते हैं और सारे जीवन भर उन भाषाओं को सुनते रहते हैं। तो क्या है कि भाषा सूत्र के तौर पर वह भाषाएं शामिल करनी चाहिए जो बालकों को प्रत्येक समय प्रत्येक पल उनके कानों में उनको दिखाई देती रहे और वो उनको सुनते रहें। विशिष्ट आपके मिल आपके लिखक श्री आना साहब जो है सुब्रमण्यम साहब वह यह कहते हैं कि भारत जो है त्रिभाषा के प्रति इतना अधिक साहित्य नहीं है। दक्षिण भारतीय जो विद्वान है वह हिंदी भाषा को इतना महत्व नहीं देते हैं और नहीं वह हिंदी भाषा को इतना ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं करना चाहते हैं। तो कहने का तौर है कि हमें इन सभी विचारों पर एक बार फिर से हमें विचार प्रस्तुत करना पड़ेगा और हमको बार बार यह चीज विचारों में लेकर के आनी पड़ेगी कि त्रिभाषा सूत्र का विश्लेषण निष्कर्ष वगैरह और इन समस्याओं का क्या समाधान देखा जा सकता है या क्या समाधान इनका किया जा सकता है। तो आज आपका पाठ नंबर 3 भाषा सूत्र आज बच्चों से संपूर्ण होता है और इस पाठ के जो भी बहुविकल्पी हो वो आप उनको देख लें और उस पाठ की डेट तारीख और सेक्शंस को आप लोग बहुत बहुत ध्यान दें। नेक्स्ट पाठ चौथे पाठ में हम आपको बहुत ही जल्द आपको बताएंगे और भी कोई आपको दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझको जानकारी दे सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर।